दिन दुनिया दी मालक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सानू सारियां नूं इस सजे सोहनी पंडाल के अंदर सोहनी तख्त ते सुशोभित होके रात्रि के विशेष कीर्तन समागम के अंदर सतगुरु जी सानू सोहनी तख्त ते सुशोभित होके खुले दर्शन दारे बख्श कर रहे ने पशु प्यारियां संगत मौत प्रेम की भावना के नाल जुड़ बैठे हो जिहड़े बार वीर सेवा कर रहे ने विभागों वाले वो जरूर करन पर कुछ संगत गल पानी छक के जे अजे पंडाल विच नहीं पहुंचियां जां इधर उधर घूम रहे ने मैं बेनती करांगा कि तुसी सारे अंदर आके सच जो बड़ा सोहना पंडाल प्रबंधक वीर ने तुहाडे ते साडे लई सजाया सो सारिया संगतां नूं बेनती है कलयुग के प्रधान कोई इलाके का प्रधान हो सकता कोई महल्ले का प्रधान हो सकता है जे कलयुग विच किसी नूं प्रधानता मिली है वो मेरे सतगुरां ने कीर्तन नूं प्रधान किया है कलयुग में तुसी देखो इलाके का प्रधान आवे तो पिछे पिछे भजदे तुसी क्योंकि सत्कार करना नहीं करोगे तो पता लग जू अगले दिन काम ही नहीं होना जे कलयुग का प्रधान है तो ये बिगाड़ लोगे तो बनूगा की देख लो प्रधान ना बिगाड़ लिए इलाके के नाल तो कोई काम ही नहीं होता ये तो मेरे सतगुरु जी कहते कलयुग का प्रधान है भाई ये साझ ये प्रधान दे नाल बैठ के तू कीर्तन करेगा ना हर दिन रैन कीर्तन गाइए बोड़ न जोनी मेरे सतगुरु जी कहते तेन जूना तो मुक्त करेगा पर आ कीर्तन कर प्यार विच बैठ के इस कलयुग दे विच जे कोई प्रधानता दिती तो मेरे सतगुरु ने कीर्तन दिती है सो आओ प्यार विच फिर संगतां नूं बेनती है कि पंडाल के अंदर आओ सतगुरां दी लाखी बाणी का जो प्रबंधकों वालों दास नूं समा दिता गया सी उस समय के मुताबक समय के विच रहिंदिआं असीं कीर्तन की समाप्ति करांगे इस तों प्यार सहित बेनती है आप सारियां संगतां पंडाल के अंदर आ के सज जाओ वाहे गुरु 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 सत सदका वाहे गुरु तेरी सब रचना वाहे गुरु
सोई सिख मेरा ओ साहिब में उसका चेहरा ओ साहिब में उसका Thank you.
जिन्हां दे असीं अज पुरब मना रहे हैं 350 साल। कई बार असीं बहुत दुख तकलीफां विच आ जांदे हां, बार बार चोटां वेंदियां ने। सियाणियां वल भजदे किसी ने कहा तू कौन आ, कहिंदा मैं सिख हुंदा, कहिंदा तैनू सियाणे दी लोड़ नहीं है। मैं दुखी बहुत हुआ इस करके मैं सियाने पुछ, कहिंदे तैनू सियाने दी लोड़ नहीं, तू अपने गुरु को जाके पुछ। इस दुनिया के सियाणा इको ही है, ना कोई मूर्ख ना कोई सियाणा, इस दुनिया ते कोई नहीं हैगा। जे सियाणा है तो आ बैठा है दीन दुनिया का मालिक। केंद्र जी फिर उन्होंने दुख तकलीफा क्यों आ गई, केंद्र ये कलगीधर पातशाह दसेगा ये घर दुख तकलीफा क्यों ने, इनू बार बार चोटा क्यों पै रही ने। सारा कुछ होने के बावजूद भी सुख नहीं करते, धन दौलत भी है, धियां पुत भी है, पर फिर भी धक्के पै रहे ने। सतगुरु जी ये क्यों, ये सिख सी कलगीधर पातशाह ते ये रहत तो टुट गया, रहत रहत बिना ने सिख का, पर कहाउंदा अपने आप नूं अजे भी सिख है, रहत इहदी है नहीं ते कहाउंदा सिख है। कहिंदे इस वास्ते की होया जी, रहत बिना सुख कबू न ले, ते जो मर्जी कर ले इहनूं सुख नहीं मिलदा। रहत बिना डर चोटा खावे, कलगीधर पातशाह जी नूं चोटा पैंदियां ने, कहिंदे ओह पैणियां ने क्योंकि ये रहत तो बाहर हो गया। फिर सतगुरु जी की करिए, इहदे तां ते रहत सो दृढ़ कर रहे, जदों पंज प्यारे सानूं रहत मर्यादा दसदे ने तो दृढ़ कराउंदे आ, दृढ़ चार बजर करातां जिन्नी भी रहत मर्यादा है वह दृढ़ कराउंदे ने। तो फिर कलगीधर पातशाह दे बचन कहिंदे भी जे मेरा सिख है तो ये जिहड़ी रहत इहनू रोज़ दृढ़ करना, दृढ़ करना भी दृढ़ किसी चीज़ नूं दृढ़ाउणा, बार बार याद करना, जदों भी कितने गलत पासे तुरे तो इहनू कलगीधर पातशाह याद आवे कि पर बेटी को बेटी जाने, पर स्त्री को मात बखाने। ये वड्डियां मेरिया मावां ने, छोटियां मेरिया धीआं ने,
ये नज़र तो ता ही आनगियां ना जदों ये रैत विच दृढ़ होगा, इन पता लग जाए भाई नशा करना मेरे कल की अरपाशा मना कर दी। नशा करके घर आ गया तो फिर परिवार ना लड़ता है, लड़ाइया झगड़े होंगे नहीं। फिर किसी ने कहा भी क्यों लड़ता तू, किसी रब के प्यारे ने कहा भी है सिखा तो करदा नशा, तो फिर घरों कोटी पैनी लड़ाइया झगड़े परिवार न मां भाई सिख न नशा वर्जित किया, लड़ाइया झगड़े वर्जित किए। खालसा खास कहावे सोई जाके हिरदै भगन ना हो। मैंने पिछले जो एक बंदा कहता कि तुम अपने नाम खालसा क्यों नहीं लिखवा दे, मैं क्या भी कलगीधर पातशाह कह रहे हैं कि मैनू नहीं लगता कि मैं अजे खालसा। खालसा खास कहावे सोई सोई उ कहावे, मैं क्या मैनू नहीं लगता भाजी मेरे मन के अंदरों भरम गया। खालसा खास कहावे सोई जाके हिरदै भरम, मैं क्या मैं तो भरिया पिया जी। खालसा कहाउण दा हकदार वो है, मेरे लिखाउण नाल की होगा, मैं लिखा लेना तुसीं भी कही जाना तो मैनू शर्म आनी आ। मेरे नाम नाल खालसा लगा हो मैनू तुरद्या आद्या मैं पता मैं की हाँ भी उत्ते बन जाइए खालसा बन जाइए। तो तुरे जाते लोग कहन भी ये कलगीधर पातशाह का खालसा जा रहे आइडेंटिटी संगत कह मेरे सतगुरु ने सानू बनाया योजा। मेरी भी तो अपनी भी अरदास करे उन्होंने थोड़े अर्ग में, क्योंकि कला गाने का थोड़ी गल बन जाती जिन्ना चिर हिरदे के अंदर नहीं गया उन्ना चिर गल नहीं बननी। पर यह जरूर सतगुरु तरस करने की भी जो वह गा रहे हैं तो किस दिन गाँव गाँव साड़ी बह फाड़ी लैणगे सतगुरु जी कि मेरे बच्चे ये तरस ये तरला जरूर आप करना। हूँ आप सारे बैठे हाँ ये तरला पाने आए कि सतगुरु जी साढ़े बस की गल नहीं नशे छड़ जाने, साढ़े का बस की गल नहीं भरम छड़ जाना, साढ़े बस की गल नहीं लड़ाइया छड़ जानिया। ये करिए कि जदों चारे पासे बाह ना जाए घेरा पालन तो फिर बाहवा खड़िया करके बहर आ जाती ना इदा करके तो कलगीधर पातशाह के कर दिए बाहवा खड़िया सतगुरु जी उपर भुजा कर मैं गुर पै पुकारिया तिन हो लिया बुहारी। जदों उपर बाहवा खड़िया करके ये कहता भी मेरे बस की गल नहीं तो सतगुर ने फिर बाहवा फड़ के सानू कुछियां बिठा लेना भी आ जा हूँ तेरी राखी मैं करा सिलेंडर सिलेंडर से करिए। आओ कलगीधर पातशाह का इसी जो दसिया गुरमुख पा रहा तो मेरा दिल किया प्रकरण वो छोया जाए। अगला शब्द दीन दुनिया के मालिक कलगीधर पातशाह वेखो सब कुछ किया सब कुछ कर सकते दुनिया के ऊपर सब कुछ करके सब कुछ किया भी कर भी सकते। असी दुनिया के उपर देखते हैं कोई मेरे वर्गा थोड़ा जहा दान पुन करे ना, कोई लंगर लवा दे आटा चौल दान कपड़ा दान कर दे। जिन्ना चिर होल्डिंग से फोटो नहीं लगती चेंज ही नहीं आना भी मैं करवाया। सानू कई बार भुलेखा जहा पैंदा भी रस्ते तुम बोर्ड लाए हो तो साड़ी फोटो ना लगी हो स्टेज तक एवं होर तरह जहाँ मूह आता बिना फोटो नहीं लाई। धन कलगीधर पातशाह दीन दुनिया के मालिक सतगुरु कोई आटा दाल करता कोई चौल दान करता कोई कपड़ा दान करता तू कैसा दाता तू ते सर्वंश दान कर दिता। सब कुछ करके कहते तुम अपनी फोटो लवा लियो खालसा मेरो रूप कहते मेरा ही आई अज तो बाद यही है सारा कुछ तुम इन्ना यही है मेरे देखो इन ही की कृपा के सजे हम है नहीं मोसे गरीब करो इन्ना वा इन्नी वड्याई सतगुरु जी सब कुछ करके सब कुछ किया ते फिर भी मान खालसे नूं आओ ऐसे गुरु तो बलहार जाइए वारने जाइए जिन्हां दे गुरपुर मना रहे हैं। इन ही की कृपा के सजे हम है नहीं मोसे गरीब।
करोर परे अपने नेत्रां दी अबेकल की कृपा सारे भावना दे नाल सारे दर्शन करन। इन्हीं की कृपा के सजे हम गए, सजे हम गए, नहीं मोसे गरीब करो करो रे परे।
इन्हीं की कृपा के सजे हम है ने मोसे गरीब पर इन्ना प्यार इन्ना नहीं कर पाचा अपने प्यारे खालसे नाल कर दे सानू दीन दुनिया के मालिक साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के सतगुरु जी लड़ ला के गए ने जिहदे कोल बैठे हाँ इहदे अगे कुछ बोलण की भी लोड़ है क्योंकि जदों मस्तक टेकदे आ ना कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की भी मेरे वर्गा कोई लख सोहने कपड़े पा ले सोहनी दस्तार सजा ले ककार भी पा ले मेरे सतगुरु जी ने यह उपदेश गला योगियां नूं दित्ता सी गली योग ना हो योग न खिलता योग न डंडा योग न पसम चढ़ाई योग न मुंदी मूंड मनाया असी दुनिया नूं धोखे विच रख सकते हैं भई मेरे वर्गा नितनेमी कोई सेवा भी साड़ी विखावे की हो जाती कई बार पर वह तो अंदर ही बैठा ना रब कि बाहर खड़ा उन्होंने पता भी तेरे अंदर की चल रहा उन्होंने पता भी अजय अपने आप में सब तो पहला जो पता लगन लग पाया ना क्योंकि शीशा है जिन्होंने अजय अपने आप का नहीं पता लगा अपने मन का नहीं पता लगा ना अन्ना बना अन्ना माया धारी अत अन्ना होया उन्हूं नहीं दिखता कि मैं क्रोधी हाँ उन्हूं नहीं दिखता मैं हंकारी हाँ उन्हूं नहीं दिखता कि मैं निंदक हाँ बेशक मेरे वर्गा 40 साल कीर्तन करते हैं लंघ जाते साढ़े वर्गे तो कई बार ज़्यादा ही नहीं देखते क्योंकि सू भुलेखा आता कि मैं कीर्तन करता निंदक भी असी हो जाने क्रोधी भी असी हाँ 40-40 साल कीर्तन करते हैं कभी हाथ ला के वेखो घर तक छड़ के आवेंगे कीर्तन करद्या तो ठंड पै जानी चाहिए कीर्तन करद्या तो सब घट राम बोले दिखना चाहिए कीर्तन करद्या तो किसी की निंदा कर लगे हो तेन फटा दिख पा निंदा भली बेशक असं नमस्कार कर रहे हैं तो सतगुरु ने कहने तू मेरे वर्गा कोई नहीं कहता मैं पता तू जगा इतने की छपावे बिन बोलिया सब कुछ जानदा इस आगे मैं गुरदासपुर का रहने वाला तो मैं जो छोटा छोटा हूँ सी कि गुरुद्वारे रोज जाने तो साढ़े बजुर्गों का एक सह सुभा से बोल वा मगे भी स्टेजा ने की बस मैं इतने तो पता नहीं की केंद्र थोड़े जो बंदा तुरै जाए ना सवेरे सवेरे तो उधर बजुर्ग कहते कहते किधर मूँह चकिया ये थोड़ा कहते कितने चले अजू कहते किधर मूँह चकी जाना मैं क्या गुरुद्वारे चकिया गुरुद्वारे में चलिया आज देखो भी अच्छे तो पता लगा भी कीर्तन दरबार हो रहा किधर में मूँह चकिया सारिया ने मूँह गुरु ग्रंथ साहब वाल चकिया उन्होंने पता भी किधर न चकिया जी बाहर निकल दिए तो फिर दूसरे पास भी चक लेंगे जदन गुरु ग्रंथ साहब वाल मूँह चकिया गया फिर होर पासे चके ही नहीं जाना डिठे सबे था अजे पता ही नहीं लगा मैं होर थाओ ना ही जिस पै करूँ बेनंदगी कितने करा होर तो था ही नहीं अजे बड़े है जदन ये पता लग गया फिर कितने होर बेनती होनी नहीं बबीहे वर्गी प्रीत कर रेमन ऐसी प्रीत कर जैसी चात्र उन्हें भी इदा मूँह चुकया जी तो उपर छक लीना होंगे किसी ने पूछा कहते तकलीफ है कोई कहता हाँ कहता गर्दन नहीं कर ला आकड़ जानी टुट जूगी मैं किन्ने चिर दा चक्की करदा कहता तकलीफ है कहता की तकलीफ आ कहता एक बूंद जल की पीली कहता इतों लागो पी ला उन्हें कहा जी न एक बूंद जल कारण चातरक दुख पावे दुख पाँदा एक बूंद करके उन्हें की कहता जी कहता ना तो मैं इधरों पीनी ना मैं कितों पीनी मूँह तो चातरक ने भी चकिया असी भी चकिया उन्हें की कहा जी कहिंदा ना इतों पीनी ना उतों पीनी कहिंदा फिर कहिंदा उदण पीऊ जदन ओ फलाऊ रब कहिंदा पीऊ तो उदण ही तुहानू कोई पुछदा भी बाहर निकलदिया कहिंदे जी बड़ा चिर हो गया रोज मत्था भी टेकदा पर खुद है नहीं किसी ने कहा इतने लागे दिंदा अच्छा झट ही दिल चाया भी मूँह उधर नूं क्यों ना चक लीए
चक लिया तू भी कह दिना भी पुत का बड़ा दुख है जिद को नहीं उन्होंने ही पता ना सतगुरु जी दुख तो बड़ा ना तो लैना इधरों तो ना लैना उधरों लैना तेरे दर तो ही जिदन भी दही है कलगी धर पातशाह अपनी गोद चो दही तो सत जाने जिदन गोद चो आऊ फिर दमलिया वाला ही आऊ फिर बाड़ी बढ़ने वाला ही आऊ फिर कीर्तन दरबार कराने वाला ही आऊ फिर कीर्तन में बैठने वाला आऊ फिर कीर्तन करने वाला ही आऊ जिन्हों को मंगते उदा दे आ जाते फिर कहें आ की बने जे कलगी धर पातशाह को मंगोगे तो फिर लाल ही आवगे गुरु गोबिंद सिंह के लाल ही आवगे सतगुरु को जी मंगते आप सो ये मेरे सतगुरु जी दीन दुनिया के मालक रब बैठा वाहो वाहो बाणी बाणी निरंकार है तो फिर साक्षात रब बैठा है आओ ये अगर शीश झुकाइए कि ना सतगुरु ने एक कंडीशन लाती भी इतने झुकाता ना हूँ ध्यान रखी किस आगे की ची अरदास कितने होर अरदास ना करी बिन बोलिया सब कुछ जानता किस आगे हूँ होर कितने अरदासा ना करता फिर आओ पांच सत मिनट की हाजरी ला के मैं अपने समय के बच्चे ही समाप्ति कर देवगा मेरे वीर सुखप्रीत सिंह जी उद्योग के मेरे नानकियां के पिंड मैं हूँ ही दर्शन किए ने मिले बहुत बार मेरे वीर बड़े और साड़ा बहुत प्यार भी है उस पिंड से मेरी माता जी का पिंड है बहुत साड़ा प्यार भी है वो आए ने सवारी उन्होंने एक एक लफ्ज जो तुम तो सुनना ना इतिहास की विचार इतिहास की खोज करके अनमोल कीमती रतन तुहानू सुनाउणे उन्होंने तो पांच सत्त मिनट की साड़ी होर हाजरी है सो मैं बेनती करांगा कि सारिया संगतां नूं वैसे तो मर्यादा यही होंगी है कि पहला कीर्तन फिर कथा तो फिर ढाडी बह कोठी होंगी जाती है हुण कीर्तन होया तो कीर्तन तो बाद मेरे वीर ने वो अनमोल गल्लां तुहानू तुहाडे हिरदे के अंदर अरदास कर दी कि वो जिहड़े बचन हिरदे के अंदर ही दस जाण सारिया ने सुन के जाना ये शब्द पांच मिनट की हाजरी बिन बोलिया सब कुछ जानता किस आगे कि जी अरदास सुनिया शब्द तुम मैं बेनती करांगा भैणा में भी वीर साढ़े गायन कर बिन बोलिया सब कुछ किसे आप
बहुत धन्यवाद सारे प्रबंधक वीर का इतों के सकून नगर का सारिया संगत का जिन्होंने प्यारिया प्यारिया संगत ने दर्शन करवाए बहुत धन्यवाद चेयरमैन साहब जी का जिन्होंने थोड़ा सदा पत्र साढ़े तक पहुँचाया और थोड़े चरण तो सू प्राप्त हुई एक बार फिर सारिया संगत का धन्यवाद और फिर बेनती कि बहुत ही प्यार वाले और जिन्ना भी देखो असी कोई एक किताब पढ़िए तो सू थोड़ा जहा कुछ पता लगता है एक किताब भी साढ़े को कई दिन लग जाते पढ़ते हैं पर जो कोई विद्वान थोड़े को आता उन्हें अद्धा घंटा ज एक घंटे का जोड़ा निचोड़ होंगे ना तो जो कुछ सुना हों उस एक घंटे के पिछे तकरीबन पता नहीं किनिया सौ किताबा पढ़ के वो तो एक घंटे के जो निचोड़ सुना के जाता और असी कभी भी नहीं इन किताबा पढ़ सकते सो मैं समझदा कि वो पिछे वो बड़ी वीडी मेहनत होंगी है तो घालना होंगी और वो मन का एक चा होता है मैं इन्हें जिताबा पढ़िया ये जोत जरूरी गल्ला ने संगत तक पहुँचा वो मन का एक बलबला होंगे फिर मैं बेनती कराँगा भैनों वीर भी तुम जरूर टिकाओ तो एकागर चित हो के जेडे वीर ने सू वचन सुनाने वो सणक सुनाओ सुन के जाना तो और संगत वालों भी और साडे जथे वालों भी जिया जी प्यार सतपते बुलाओ वाहिगुरु जी का खालसा धन्यवाद जी।